देवा माता जानी पार्वती पिता शंकर देवा भक्तों नो मंगल करने तत्पर दर्शन देवा नमो चरणमा डियारो तमने जय जय गणेश देवा हमारे फेसबुक को हटाकर
हमारे इंस्टाग्राम को हटाकर, हमारे स्नैपचैट से हटाकर हम इस मोबाइल से क्या नहीं कर सकते। आजकल लोग इसी मोबाइल से घर पर बैठकर विमल सोलन की इस बात को बड़ा भरपूर तरीके से समझ सकते हैं कि घर पर बैठकर जो है कि 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार ऐसे ही कमा लेते हैं। ये बात मानने वाली है कि नहीं है? घर में बैठकर ना कहीं जॉब ना कुछ। तो आज हमारा ये मित्र पॉइंट का जो है कि प्लेटफॉर्म यहाँ पे सजाने का मतलब यही है कि हमें इस मोबाइल से फायदा उठाना है। हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे लोगों ने जो हमारे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, खुशकिस्मती से हमें इतना सारा जो ज्ञान बांटा है, जो इल्म बांटा है, उसका हम यूज ही नहीं करते। जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी है, मिथर कॉइन है, इस तरीके से हम कहाँ फायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, हमें पता ही नहीं है। हमें पता क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक किसी ने हमें समझाया ही नहीं है। इसी वजह से हमें किसी ने समझाया ही नहीं है, तो इस चीज का हमें पता ही नहीं है। तो आज हमें डिजिटल मार्केटिंग को समझना है। डिजिटल मार्केटिंग के है क्या? अच्छा, यहाँ पे हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं एज अ बिजनेस को लेकर आपसे बात करूंगा कि हमारे ज्यादातर लोग के घर अपने क्रॉसिंग, माड़ीपुर और इन जगहों पे हमारे कितने लोग के घर और कितने बड़े बड़े घर है। आप लोग ये चीजों को मानते नहीं मानते, बहुत बड़े बड़े घर है। एक जमाने पर आप सबने जो है कि अपने वालिदैन से ये चीज सुनी होगी कि यहाँ पे जमीनें मिली थी 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की। फैक्ट है, रियल है कि नहीं है? 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की जमीनें थी। हम लोग जंगल समझ के इसको छोड़ देते थे कि नहीं यार जंगल में कौन जाए। आज वही जंगल के अंदर जाके देखो करोड़ों की जमीनें हो गई है, वो हकीकत है कि नहीं है? क्यों? उस वक्त हमें समझ नहीं थी, जो समझा देती थे समझ नहीं थी। क्यों? आज वजह यह है कि हमने खुद की नहीं सुनी। भगवान ने हमें दिमाग दिया है जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। हमारे पास किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन खाली मन में बात चली होती है, आपका दिमाग आपको 10 सॉल्यूशन दे देता है। जैसे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, दिमाग बता देगा यार तू अपने भाई से मांग ले, यार तू अपने दोस्त से मांग ले, यार तू ये कर ले, तू वो कर ले। दिमाग ऐसी सारी चीजें बताता है, लेकिन हम दिमाग की बात पे कभी नहीं चलते। हम सुनते किसके? पता है आपको? हमारे दोस्त की, तुम्हारे बराबर में बैठा हो। हमने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के राय मशवरे पे डिपेंडेड कर दी है। जो एक ये चीज आप लोग मानते कि नहीं मानते? जॉब कर रहे, लेकिन फिर भी कर रहे, मजबूरी है। क्यों कर रहे? अगर किसी ने समझाया ही नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी जनरेशन की गलती नहीं, हमें किसी ने समझाया ही नहीं है। और कौन कौन चाहता है कि मैं अपने खुद का बिजनेस करूं? वो हाथ उठाए कि मैं कुछ बनना चाहता हूं। कौन कौन चाहता है? अच्छा, सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, इसमें मेहनत भी करनी है, मेहनत भी करनी। अच्छा, मेहनत। वेलकम सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच बैठे हैं। हेलो, तब लोग मने नाम सी तो और को सो तो पहले शुरुआत अपनी गुजराती में करी। कविता मोहन सोलंकी तो अंदाजे हानबली जो है, तो आज मारे से घना माना वाकिफ भी थी जाए कि अ कविता बाई से कौन। बेसिकली आज हमें सेमिनार राइकू से हुआ कंपनी नहारे एक वर्षी अटैच सो। इट्स कॉल्ड मिथर कॉइन नेटवर्किंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो हूँ और मारी टीम में बेतन सदस्य से जी आपकी कॉमेडी सी से टेक्चन दास जयंती परमार जी मैंने हमारा नजर नहीं आ रही है, प्रताप अंकल, विजय गोविंद कई एवं मानस ने जिन्हें वो अप्रोच करी हूँ तू तो ए लोग ने आज कॉन्सेप्ट समझ आई हूँ बस ए लोग प्रैक्टिकल आज चीज में खुद आए हुआ स्टडी करी हूँ तो ए लोग ने समझ आई हूँ। तो हमारा मेन मकसद ये से कि दुनिया हंदी चांद माते पो गई रही से कहाँ सिर्फ अपनी कमेटी हजीन जमीन माते झाली रही से कहाँ आपने भी ई लाइफ नती जी रही जी हंदाई जी है से राइट बात से आपने हजीन स्क्रैच माते सी तब्दीली नती अपना माँ। तो हुए मारा फादर से डिस्कस करी हूँ कि हूँ एक सेमिनार करवा चाहूँ सू और मारो मेन कॉन्सेप्ट से भले तमें आओ ना आओर कॉइन माँ मगर मारू मेन मकसद से कि जी यंग जनरेशन हमारा यहाँ बैठे ही है ना
ये लोग आ टेक्नोलॉजी ने स्टडी करे अबे घरों मार्सों से जी आया सी घरे जाए गूगल कर सा चीज है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी तो तुमने ये से के कोई बताओ से तो तुमने चीज माते जावाना नहीं रास्ता माते जावाना कोई हवाई तो आगे कोई केतु नहीं के भाई आ कर ले हम तो फायदो से तो आज सिलसिला में अदित्य ने भी यार कांसेप्ट बताया वो तो और सोनम बेन ने भी के अगर तुम मानो साथ दियो तो आपने आपका मानो वास्ते कहीं बेहतरी करी तो ई लेवा वास्ते जो बहुत बहुत थैंक यू जितना भी माना से आज आतवार को दिन तो बिजी शेड्यूल वही सर टाइम और फिर भी तुम बैठा हो तो तुम लोग वास्ते एक जोरदार तालियों भी दे जी फैमिली को भी आ गया बाकी थोड़ी बार में हमारे चीफ गेस्ट आ भी रहे से तो जी हमारी टेक्नोलॉजी से जिना से हम लोग तुम लोग ने इन्वाइट करी दू से थोड़ी बार में हमें ये शुरू करवाना थैंक यू Now I would like to talk about the women in our community. ज़्यादातर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द हैं। क्यों? Any answer? Where are the women? जागरूक हैं नहीं? ना इसे something very big deal, but going back to environment देखो जब तक आप अपनी औरतों को बाहर नहीं निकालोगे, जब तक उन्हें face नहीं करेंगे, you won't know anything. कुछ भी नहीं पता उनको ए बी सी डी लाइक अ पॉपर्स ओवर देयर स्मॉल सिल्क बेबीज नथिंग एल्स सो हमारी कम्युनिटी यही तो बैकड्रॉप है कि बहुत कम लोग हैं जो इस स्टेज पर आ गए यू नो दिस सेम स्पीक अप एंड इन लोगों को यू नो दबाया जाता है सो आई डोंट वांट दैट इन आवर कम्युनिटी की आज का जो न्यू जनरेशन है जो न्यू फेसेस मैं देख सकती हूँ आई वॉन्ट देम टू कम फॉरवर्ड एज अ लीडर वुमेन्स आर द लीडर्स Women's health of sab kuch hai aur I feel this. So I would just tell everyone over here. So women's class lesson. I would like to say each and everyone over here to please. Women's empowerment is the biggest achievement for our community. To aap log har koi ek dusre ko encourage kare. The business is all about taking risk. मौजूद नहीं है. इस्लामाबाद पर अभी उनको अर्जेंटली जाना हुआ तो मैं सेकंड हमारे प्रेजेंटेशन पर अपॉर्चुनिटी अक्षर चौहान साहब से मैं गुजारिश करूंगा प्लीज सर स्टेज पर आ जाएं जो हमारे पार्टनर एंड फाउंडिंग लीडर हैं उसके बाद हमारे एक्सप्लेनेशन न्यू प्रोजेक्ट फिर अरम बैग निजामी साहब से गुजारिश करूंगा सो प्लीज कमान स्टेज पर इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी और उसके लिए जिन कम्युनिटी के लिए इन्होंने जिन लीडर्स को चुना है मैं उनको जो है बुलाना चाहूंगा क्लैप द बिगर मिस कविता सोलंकी एंड मिस्टर जयंती कुमार परमार साहब एंड मिस्टर टेकचंद वाघेला एंड प्रताप अंगल सो प्लीज कम ऑन स्टेज मैं माजरत के साथ एक अहम नाम तुम्हारे बीच है मिस्टर जहन जो हमारी मित्र फैमिली के एक अहम हिस्से हैं सो प्लीज कम ऑन स्टेज मिस्टर जैन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं तो सो प्लीज मिस्टर डैनी कम ऑन स्टेज जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मिस्टर डैनी के लिए थैंक यू बहुत बड़ी टीम है भाई सो प्लीज अब जो है कि हमारे पीर साहब के सम्मान में धीरे जंगल जो उनको सम्मानित करे तो प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां हो थैंक यू सो मच एक अजरक और एक फूलों के बुके के साथ प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए थैंक यू अच्छा तो अब मैं आपको तारुफ कर लिए तो आप लोगों ने सालों ने देख लिया कि हमारे महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने आकर जो है ज्वाइन टैंक के लिए जोरदार तालियां ये लोग वो हमारे सीनियर सिटीजन के जो हमारी कॉम के लिए फकर है इनका सिर्फ हमें ज्वाइन नहीं करना ना कि हमारे फकर हो जाए कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी अब हमें हाथ पकड़ के चलाना सिखाएंगे तो अफकोर्स अगर आप तो जो है कि हमारे भारत जी भी जो है कि स्टेज पर आ चुके हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो फूलों से और बगैर उनको आमंत्रित किया हो और उस हॉल में चले जाए सबसे बड़ा वो होता है के समान होता है तो मैं मुझे जो इन्होंने जो सहज दो लफ्जों में कहा आज हमारे जी मंच पर जो बड़े बड़े सहमान
मौजूद है। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए और हमारी कौम के लिए बहुत ही आला तरीन है और जितनी तारीफ करे कम है। अब नमाज का वक्त हो गया है, शायद मेरी आवाज को थोड़ा धीमा कर जाए ताकि फल चारुं भुक्षतं सुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। मेरा नाम अर्शद चौहान है और पिछले 2016 से मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ ज्वाइन हूँ जिसने मुझे इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हवाले से गाहा बा गाहा, या वो जो है चूहे अपना सुराख बना के उसको बारूदा बना देते हैं। फैक्ट है ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत से दफा हुआ है। तो उसको सिक्योर होना चाहिए, कोई चोरी ना कर सके, कोई उसको